नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। तो आज हम बात करने वाले हैं नैनीताल की। नैनीताल बसता है उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में। तो नैनीताल अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह है। देश विदेश से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। ऑल इंडिया, देश विदेश से सारे पर्यटन टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। तो नैनीताल अंग्रेज़ों के टाइम से बसा हुआ एक ऐसा शहर है जो अंग्रेज़ों को भी बहुत पसंद आया था, और ये ठंड जगह होने के नाते अंग्रेजों को ज़्यादा पसंद है। तो आज हम घूमते हैं नैनीताल। नैनीताल आने के लिए आपको सबसे पहले हल्द्वानी, हल्द्वानी से जो नैनीताल की दूरी है वो है 43 किलोमीटर। बाय रूट आप 43 किलोमीटर रन करने के बाद आप फाइनली नैनीताल पहुंचते हो। तो यहाँ आने के लिए आपके शहर से बस की सुविधा है। दिल्ली से बस आपको डीलक्स बस मिल जाती है, ऑर्डिनरी बस मिल जाती है, गुरुग्राम से मिल जाती है, नोएडा एंड लखनऊ और भी जगह से आपको यहाँ के लिए बसें मिल जाती है। अगर आप ट्रेन से आते हो तो ट्रेन से आप सबसे पहले आपको काठगोदाम आना पड़ेगा। तो इंडिया के किसी भी कोने से आप आ सकते हो। काठगोदाम के बाद आपको लोकल टैक्सी या बस के थ्रू आप यहाँ जाओगे। बहुत ही कम फेयर में आप नैनीताल पहुँच जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही कम किलोमीटर है इसका डिस्टेंस नैनीताल का और हल्द्वानी के बीच का। तो जब आप नैनीताल पहुंचते हो तो आती है आपको सबसे पहले यहाँ पे मनमोहक दृश्य, एक सुंदर सी लेक दिखाई देती है जो फर्स्ट टाइम आते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो ताल जो ये झील है, नैनी झील, इसके चारों ओर घर ही घर हैं। और तो यहाँ पे एक फेमस मंदिर है, नैना देवी का मंदिर। तो सबसे पहले आप यहाँ आते हो तो आप नैना देवी टेम्पल जरूर जाइए, यहाँ से माँ का आशीर्वाद लीजिए, और उसके बाद आप अपनी प्लानिंग कीजिए कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है। इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे। हम इसमें इस वीडियो में एक छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप नैनीताल में कहाँ घूम सकते हो। तो लेक आने के बाद आप नैना देवी के दर्शन कीजिए। नैना देवी दर्शन करने के बाद आप जाइए माल रोड पे। माल रोड पे आप घूमिए, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, शॉप्स देखिए, और भी चीज़ें आप लेक के आसपास फ़ोटो क्लिक्स करवा सकते हो वो कीजिए, वीडियोज़ बनाइए और अपनी यादों को अपने साथ ले जाइए। माल रोड में आप नाइट में भी घूम सकते हैं, यहाँ का व्यू कुछ और ही होगा, और यहाँ का जो वेदर होता है हमेशा ठंडा होता है। माल रोड में आप हमें शॉपिंग भी कर सकते हो। शॉपिंग के लिए आप यहाँ से कुछ अपने नैनीताल की यादगार चीज़ें लेके जा सकते हो। सीजन के हिसाब से यहाँ पे कपड़े आपको मिल जाएंगे। ठंड यहाँ से यहाँ पर ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आप विंटर के कपड़े भी आपको ईजीली मिल सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे राजभवन। ये सामने जो दिख रहा है राजभवन है, 125 साल पुराना भवन है। इसकी नींव 27 अप्रैल 1997 को रखी गई, जबकि 1990 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उस टाइम ये बन के तैयार हुआ था। इसके बाद हम जाएंगे इको कैफ पार्क। यहाँ पे एक गुफा है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ घूमेंगे। आप यहाँ जाइए और यहाँ पे इस चीज़ को देखिए और देखिए इसके अंदर क्या है, तो आप इस चीज़ को इंजॉय कीजिए। तो इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, टिम्बल ट्रेन, जो ये आप सब जानते हो, टिम्बल ट्रेन के थ्रू आप पूरे नैनीताल को आप ऊपर से देख सकते हो। ये चीज़ आपको ले जाएगी ऊपर नैना पीक और चाइना पीक, जिसे बोलते हैं हम टिप्पन टॉप। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से नैनीताल का एक सुंदर सा दृश्य, मतलब आप नैनीताल को ऊपर से पूरा देख सकते हैं। तो नैनीताल जो ताल है वो एक मैंगो के शेप में है। तो इतनी यहाँ से आने के बाद, इस टॉप में, टिप्पन टॉप में आने के बाद आप ये चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। इसी जगह से आपको हिमालय के सुंदर जगह दर्शन होते हैं। हिमालय का एक सुंदर सा व्यू आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी के नाम से एक जगह है, किलवरी बर्ड सेंचुरी। तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो। यहाँ जाने के बाद इसके चारों ओर पेड़ ही पेड़, एक जंगल से आए तो आप यहाँ घूम सकते हो। यहाँ घूमने के बाद वापस आप नैनी झील आइए। नैनी झील आने के बाद आप यहाँ से थोड़ा सा दूर चलिए, जहाँ 27 किलोमीटर एक नौकुचिया ताल है, ये भी अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो नौकुचिया ताल में। आप यहाँ रह भी सकते हो, यहाँ पे आपको होटल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। टूरिस्ट यहाँ पे भी बहुत आता है, इस एरिया में बहुत सारे ताल है। इसके बाद आप जा सकते हो मुंगेरी, आप जा सकते हो भीमताल। नैनीताल से भीमताल की दूरी है 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर आप भीमताल जा सकते हो। यहाँ पे भी आप बोटिंग कर सकते हो और साथ के साथ पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो। भीमताल भी एक बहुत अच्छी जगह है, यहाँ आप रुक सकते हो। यहाँ पे होटल्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, और सस्ता फूड और
1000 रुपये से होटल स्टार्ट है। साथ के साथ इसके बाद आप जा सकते हो कैंची धाम, जो बहुत ही नज़दीक है, मात्र 19 किलोमीटर कैंची धाम भीमताल से है। यहाँ के आप गुरु जी का आशीर्वाद ले सकते हो, कैंची धाम वाले बाबा का। तो यहाँ पे अपनी यात्रा आप एंड कर सकते हो और इसके बाद आप वापस जा सकते हो या फिर अल्मोड़ा जा सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? एक छोटी सी जानकारी आपके लिए थी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। मैं कोशिश करूँगा कि इन जगहों में जाके मैं लाइव वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए लेके आऊँ। धन्यवाद।